चंजमले फजाइल के आज की जश्न की मुनासिबत से हम सुनते हैं मोहतरम जनाब हाफिज रजब अली की जुबान से पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु नारे तकबीर नारे रिसालत बुलंद आवाज से नारे हैदरी أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا الحمد لله الذي لم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والسلام على الرسول الحبيب المجيب الرقيب المظفر المصطفى الأمجد المحمود الأحمد النبي الأمي الأبدعي الهاشمي المكي المدني أما بعد فقد قال الله في القرآن فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد نعرہ تکبیر خالق اکبر کا نام بلند ہے بلند آواز سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری बंदे तक किसी बंदे का हाथ नीचे ना हो मैं मानता हूँ कृषियों की तादाद बहुत कम है पाकिस्तान में दूसरे मसाले की बहुत ज्यादा तादाद है लेकिन हमारा मियार तादाद नहीं बल्कि हमारा मियार अच्छा किरदार है हम अगर मैदान में उतर जाए अगर 72 हो लाखों के तख्ते पलट दे पिछले साल बीबी फातिमा पर एक इल्जाम लगाया था उनकी शान के बारे में गुस्ताखी की गई थी के खताकार कहा गया था नाउज़ बिल्लाह ने यानी फिर भी यजीदियत अपना चेहरा सामने निकाल रही है यजीदियत फिर छुपकर हमला कर रही है यजीदियत फिर साजिश कर रही है जुमला पहुंचाना चाहूंगा यजीदियत फिर साजिश कर रही है मैं कहता हूँ होती नहीं है इस तरह खुफिया हिमायतें जरा खुल के सामने आ हिम्मत मजीद रख जरा खुल के सामने आ हिम्मत मजीद रख शब्बीर रख दिया मैंने अपने पिसर का नाम बेटे का नाम बर्मला तू भी हिमायतें जरा खुल के सामने आ हिम्मत मजीद रख शब्बीर रख दिया मैंने अपने पिसर का नाम बेटे का नाम बर्मला तू भी यजीद रख कोई बंदा अपने बेटे का नाम यजीद नहीं रखता क्यों नहीं रखता बताना था आखिरी पन्ने का तवज्जो क्यों क्यों नहीं रखते यजीद हुसैन ने मातमी को आली बना दिया लग ना सके फर...
सफर हिफाजत की दाद देते हैं, तुम्हारे प्यार और उल्फत की दाद देते हैं। जब भी लगाते हो नारा तो अर्श पर मखलूक तुम्हारी माँ की शराफत की दाद देते हैं। अजीजा ने मोहतरम जो कि मेहमान दूर दराज का सफर करके हैं, ज्यादा इनसे मुस्तफीद होना चाहेंगे। और ये चैनल मुख्तलिफ टीवी पे लाइव प्रोग्राम चल रहा है, तो इसमें भी थोड़ा एहतियात कीजिए, पूरी दुनिया आपको देख रही है। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज आपके सामने मलिका दरान शहजादिये कौनैन मातरे हसनैन का जिक्र करना चाहूंगा, या जुमला पलट के यूं कह दूं उस बीवी का जिक्र करना चाहूंगा जो कुरान की तरह सच्ची है, काबे की तरह पाक है, फजल जिसके घर का तवाब करता हो, रहमतें जिसके दरवाजे के इर्द गिर्द घूमती रहती हो, इल्म जिससे फजीलतों की भीख मांगता हो, दस्ते मुस्तफा जिसके लिए रहल हो जाए, अली जिसका हाशिया पाक हो जाए, हसनैन जिसकी तफसीर बन जाए, और मरियम और हव्वा बीबियां अपने मगन और चादर ओढ़ के जिस कुरान इस्मत की तिलावत करे उसे फातिमा तो ज़हरा कह दे। बाबा को देखो सैयदुल मुरसलीन, शोहर का देखो सैयदुल वसीयी, बेटे को देखो सैयदा शबाब अहले जन्ना, सारे सरदार खुद सैयदा दिन निसाइल आलमीन, खुद तमाम आलमीन की औरतों की सरदार, बाबा भी सरदार, शोहर भी सरदार, खुद भी सरदार, बेटे भी सरदार। जुमला पलट के यूं कह दूं फातिमा सयादत का वो काबा है जिसके इर्द गिर्द नबुव्वतें इमामतें शराफतें तहारतें इज्जतें करामतें तवाफ करती हो, तो अब किसी की बेटी की क्या मजाल कि वो जहरा की बराबरी कर सके। खुदा कुरान में फरमाता है या अय्युहल मुज़म्मिल, ऐ मेरे चादर ओढ़ने वाले नबी, कुमिल लैला इल्ला कलीला, रात को कम इबादत की कर। यानी रसूल ने इतनी इबादतें की कि खुदा कह रहा है इबादत कम की कर। अब तो जो चाहूंगा, खुदा कह रहा है इबादत कम की कर, खुदा कह रहा है इबादत कम की कर। दूसरी सूरत में खुदा फरमाता है इन्ना आतैना कल कौथर फसल्ली लि रब्बी का वनहर, ऐ नबी सजदों को बढ़ाते, ऐ नबी नमाजें पढ़ना शुरू करते। मैं कहता हूँ या अल्लाह समझ नहीं आई, एक जगह कह रहा है इबादतें कम की कर, एक जगह कह रहा है रात को कम उठा कर, दूसरी जगह कह रहा है सजदों को बढ़ाते, दूसरी जगह कह रहा है इबादतें बढ़ा दे। अरे जवाब इलाही यही आएगा, पहले फातिमा नहीं दी थी, अब फातिमा जैसी नेमत दी, पता चला फातिमा के आने से रसूल की इबादतें